ब्रिगेड की परीक्षा परिणाम आने के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय क्या है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। नगर के सुद्धि ग्लोबल एकेडमी में CBSE बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम 2021 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के स्वागत सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम स्वागत समारोह रखा गया। कार्यक्रम में प्रबंधक डॉक्टर राम मोहन एवं प्रधानाचार्य कुसुम मोहन ने CBSE इंटरमीडिएट की परीक्षा में आगरा मंडल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा शिखा तथा 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मयन यादव, खुशी यादव, आदित्य मिश्रा, शेखर यादव, सौरभ साग, अंजलि चौहान, देवांशी सिंह, वैभव अग्निहोत्री, प्रियांशु मिश्रा, मेहरुज, शिवम चौहान छात्र छात्राओं को मिष्ठान खिलाकर फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कोरोना संकट को देखते हुए बीते 2 वर्षों से किसी भी बोर्ड की परीक्षा नहीं कराई गई थी, लेकिन पुराने रैंकिंग के आधार पर बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। के साथ अपने टीचर्स को और उनके अभिभावकों को, क्योंकि उनकी बदौलत वो मेहनत करते हैं, उसकी बदौलत ही सुद्धि ग्लोबल एकेडमी सदैव आगे बढ़ता रहा है। क्योंकि इस बार का ये रिजल्ट बच्चों के एग्जाम के साथ साथ पूरे 3 साल का वो है, तो क्योंकि इन बच्चों ने 3 साल से अच्छा करते आए इसलिए टॉपर रहे हैं। और मैं आने वाले सभी भविष्य के बच्चों को भी कहता हूँ कि वो केवल ये ना सोचे कि मुझे बोर्ड के लिए पढ़ना है, क्योंकि इस स्थिति क्या होती है कुछ नहीं पता है। इसलिए वो तब से भी कक्षा 10 से ही इतनी मेहनत करें, 9th, 10th, 11th, 12th, कि जिससे वो आगे जब भी उनका अगर कोई नियम बदलता है तो उनके मार्क्स अच्छे आ सके। और ये मेरे टीचर्स के वो है कि टीचर्स का हार्ड वर्क है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सुद्धि ग्लोबल एकेडमी आगे बढ़ता जा रहा है। ये सब टीचर्स की बदौलत है और बच्चों की मेहनत की बदौलत है, और उनके जो अभिभावक हैं बच्चों के वो मुझे सहयोग करते रहते हैं, बच्चों को उत्साहित करते रहते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी बच्चों से, मैं सभी जितने भी 12th में पास हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और जो आगे अब 12th में हैं उनको भी ये कहता हूँ कि वो अपने स्कूल की हर एग्जाम को दें और स्कूल में अटेंडेंस रखें, ऑनलाइन क्लास को प्रॉपर लें जब तक ऑनलाइन चल रही है, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास होगी तब ऑफलाइन क्लास में जरूर आएं, क्योंकि प्रतिदिन स्कूल में आने वाला बच्चा कभी मार नहीं खाता, ये मैंने देखा। सर आपके विद्यार्थी हार्दिक खुशी है, लेकिन क्योंकि इस बार CBSE ने मेरिट को डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉप वाइज बनाने को मना किया था, क्योंकि बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं आगरा मंडल में, तो अंदर से दिल बहुत बाग बाग हो रहा है, और ये सब मेरे बच्चों की मेहनत का है और मैं बहुत खुश हूँ। किस स्ट्रेटजी के साथ आपने ये तैयारी की थी? द स्ट्रेटजी व्हिच गिवन बाय मॉरिस सर एंड इज माय गाइडेंस। तो सफलता का श्रेय बेटा किसे देंगे? माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड सर, डायरेक्टर सर। आपने आगरा मंडल में टॉप किया, इसके बाद आप आगे क्या करना चाहती हैं? आई सिट इन द यूपीएससी एग्जाम, आई विल सिट इन द यूपीएससी एग्जाम एंड क्या फील कर रहे हैं आज? गुड। क्या कहना चाहोगे छोटे छोटे भाई बहन जो पीछे आ रहे हैं आपके, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जरा जोर से बता दीजिए सबको। मैं ये कहना चाहूंगी कि लगे रहें और एक ना एक दिन तो अपनी मेहनत का फल मिल ही जाता है, जल्दी नहीं पर डेफिनेटली मिल ही जाता है। सबसे ज्यादा श्रेय किसको देंगी? मेरे पापा। क्या सपना है? IAS। क्या नाम है, किस स्कूल से आप हैं? मैं सुद्धि ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी से हूँ। मेरा नाम शिखा है, मेरे पापा का नाम मिस्टर राकेश यादव है, मेरी मम्मी का नाम मिसेज गीता यादव है। क्लास से हूँ और मैंने 12th में 496 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है, और ये करके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर मेरे पेरेंट्स को, और उसमें सबसे ज़्यादा मेरी मदर को, और साथ ही साथ मेरे सारे टीचर्स को। किस विद्यालय से आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है? सुद्धि ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी। टीचर्स के बारे में बताइए, कैसा गाइडेंस रहा उनका? सर टीचर्स ओवरऑल ऑनलाइन क्लास में मोटिवेट भी करते रहते थे और बताते भी रहते थे कि बोर्ड में कैसे क्या करना है। उनकी गाइडेंस के कारण ही प्री बोर्ड में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया और जिस कार्ड वही रिजल्ट हमारा फाइनल निकला और वो हमें फायदेमंद रहा। आगे चल के क्या